आज मैं स्पेशल साबूदाना वड़ा मैंने बनाया है, और इसमें इंग्रेडिएंट है पटेटो बॉयल और सिंगदाना, पीनट्स, रोस्टेड पीनट्स, और गरम मसाला डाला मैंने, ग्रीन चिली डाला मैंने, ग्रीन चिली को चॉप करके, ग्रीन कोरिएंडर डाला मैंने, नमक स्वाद अनुसार, और कोरिएंडर पाउडर डाला मैंने, और जीरा पाउडर भी डाला है, क्यूमिन सीड पाउडर भी डाला है, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, और हम लोग बंगाली में एक पाउडर बनाते हैं उसको बोलते हैं भाजा मसाला, भाजा मसाला मैंने इसमें डाला है, और नमक जैसे मैंने कह दिया स्वाद अनुसार किया है, पीनट्स भी डाल दिया मैंने इसमें, और पटेटो को बॉईल करके मैंने छिलके इसमें डाला है, और साबूदाना को भिगा के रखा था। तो साबूदाना वड़ा मैं बना रही हूँ आज, और इसको बनाते हुए थोड़ा सा वक्त तो लगता है, मगर इसका जो खाने का जो मतलब मज़ा है, और मच मच वड़ा बना, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये खाने में जो मजा आया, और स्पेशली जब घर पे ऐसी इस तरीके से चीज बने, मैंने कहा था मैं हमारे घर पे साबूदाना और पोहा यूज होता है, और डिफरेंट डिफरेंट चीजें हम लोग बनाते हैं, पोहा का भी किसी दिन मैं दिखाऊं, पोहा का भी बहुत अच्छा कटलेट बनता है, तो साबूदाना आज मैंने बनाया है, और इसके साथ आप ब्रेड के साथ खाइए, ऐसे साबूदाना खाइए आप वड़ा, और ग्रीन मैंने ऑलरेडी चटनी मैंने बनाया था, ये देखिए चटनी मैं आपको दिखा दूं, ये है चटनी, इसमें मैं अभी मिक्स करूंगी मायोनीज, क्योंकि चटनी जो है जब हम लेते हैं मुंह पे थोड़ा हार्ड लगता है, तो मायोनीज मिक्स करने से क्या होता है कि बहुत ही अच्छा माइल्ड हो जाता है चटनी। ये कोरिएंडर का चटनी है, इसमें कोरिएंडर है, थोड़ा सा मैंने डाला हुआ है मिंट लीव्स, और इसमें नमक है और सेंधा नमक है, और इसमें थोड़ा चाट मसाला है, और थोड़ा सा अदरक है, दैट्स इट, इसको पीस लिया था मैंने, और कोरिएंडर ज़्यादा है, इसको पीस लिया था, पीस के मैंने चटनी बनाया, ज़्यादा चटनी बनाई, ये मैंने खाली मायोनीज के लिए अलग से निकाला हुआ है। सो ये चटनी में मैं मायोनीज मिक्स करूँगी और साबूदाना वड़ा के साथ परोसूंगी। सो ये आज का छोटा सा झटपट साबूदाना वड़ा वीडियो है, कैसा लगा बताइएगा। और इसका मिक्स मैंने साबूदाना का पहले भी एक बार बनाया था मैंने वड़ा, तो उसका मिक्स मैंने दिखाया था, मगर इसकी मिक्सिंग में थोड़ा डिफरेंट है, मैंने जैसे कहा गरम मसाले भी डाला हुआ है, भाजा मसाला भी डाला हुआ है। सो ये है। सो आप लोग बताइएगा कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है, और इस तरीके से मैं वीडियो लेके आ जाऊंगी आपके सामने, तब तक देखते रहिए शिवाला आर्ट्स को, शिवाला को, और आप लोगों का प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। हाय गाइस, वेलकम टू माय बैक टू माय